आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ शशांक पीयूष जी को, जो हमें बहुत अच्छी ईमेल लिखते हैं और उनका भी मन है कि वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, तो हम उनको बेस्ट बोलते हैं। और मेरे भी एक और फ्रेंड है, वो भी जो है यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करें, तो उन्हें भी मैं शाउट आउट दूंगा जब वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जरूर आपका मन करे तो आप यूट्यूब चैनल जरूर स्टार्ट करेंगे। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं। और इसके अलावा हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसकी हमें सजेशन दी है सुधांशु ने, और वीडियो का टाइटल है हाउ वी स्पेंड अ नाइट इन अ बोट हाउस इन कश्मीर। एक्चुअली उन्होंने हमें ये वीडियो पता क्यों सजेस्ट की है, क्योंकि कल जो हम लोगों ने टॉप 10 हिल स्टेशन देखे ना, और उसमें था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत हैरान हो रहे थे ना वो बोट वाला देखकर, तो इसलिए मैं आपको ये वाली वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं। तो आज हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो आप लोगों ने टाइटैनिक वाला पोज तो बहुत देखा होगा, आज हम आपको दिखाते हैं शिकारा वाला पोज। शिकारा तो अपने दिन की शुरुआत फ्रूट चाट के साथ, और क्या ही बताऊं कहां खड़े हैं हम, एक बार आप देख ही लो। देख रहे हो, मतलब इसे कहते हैं डल लेक, जन्नत वादियां। और वैसे वीडियो की शुरुआत अभी नहीं हो रही, वीडियो की शुरुआत कल हो चुकी थी, लेकिन जो पहले वाला सीन है ना वो हम बुनाना बुनाना कह रहे बुनाना भूल गए थे, तो अभी बुना रहे हैं। और ये पीछे देख रहे हो वो हाउस बोट है जिसमें हम रुके हुए हैं, आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन भाई जो ठंड है ना, जबरदस्त वाली, नोजी भी बाहर आ रही है। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:00 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी पन और छोटों को हेलो। तो होप करते हैं आप सब इतना बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। ये वीडियो जो है ना, ये पूरी डल लेक के ऊपर ही है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ डल लेक है, डल लेक है, और डल लेक है। डल लेक के अंदर देखने के लिए क्या क्या है, कौन सी मार्केट है, क्या है, वो सब आपको दिखाया। होप करते हैं आप सब एंजॉय करोगे और शुरू करो एंजॉय करना। जादू जादू, बर्फ पड़ने की वजह से ना काफी ठंड हो गई है यहाँ पर, मतलब ऊपर बर्फ पड़ी है और यहाँ पर बारिश हो रही है। ओए, ओए, ओए। मौसम एकदम चिल्ड वाला कहता है ना, चिल्ड। यहाँ पर फूल है, पीछे आई थिंक कोई रेस्टोरेंट भी है, लेकिन बारिश हो रही है, अपने पास टाइम कम है, अंधेरा होने वाला है, 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी हमें 5-6 जगह और घूमनी है। चलो चलो चलो, कुद्दी मारो। तो आप लोगों ने टाइटैनिक वाला पोज तो बहुत देखा होगा, आज हम आपको दिखाते हैं शिकारा वाला पोज। ये है शिकारा वाला पोज जिसमें हम बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। अगर खड़े होकर खिंचवाएंगे ना तो फिर मैं क्या ही बताऊंगा, नजर नहीं आएंगे, खाली बोट बोट नजर आएगी और हम दोनों कहीं और ही होंगे। लेकिन फुल टू एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ये जो बारिश की बूंदे पड़ रही है ना,
मतलब भगवान ने अपने ऊपर ना पूरी कृपा बरसाई हुई है। भगवान कह रहे हैं एंजॉय करना, तो हल्की हल्की बारिश भी ले लो, बूंदा बांदी भी ले लो। अभी हम जा रहे हैं अपनी सेकंड प्लेस। भैया कहाँ जा रहे हैं अब हम? तो अभी अपन लोग जा रहे हैं कबूतर खाना। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज बनी है, मिशन कश्मीर जब तक है जहाँ, मतलब बहुत सारी है मूवीज के नाम क्या बताऊँ, जाते और आपको दिखाते हैं। खड़ी हो जाते तो बैठ गए। तो वो आप सामने देखोगे ना, वो संतूर होटल है और इस होटल की 3 मंजिल ना बेसमेंट में, मतलब ये बेसमेंट में 3 मंजिल तक बना हुआ है। मतलब जो इनका रसोई घर है वो नीचे है पानी के। सोचो यार कैसा ही होटल होगा। तो अभी हम आए हैं फ्रेंड्स बारबेक्यू, जो कि पानी में बना रखा है। ये भी देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो क्या ऑर्डर किया? चिकन टिक्का ही है, कुछ नहीं है। क्या ऑर्डर किया भैया को? छोटा को हेलो। इसको ऐसे खाऊं या निकाल के खाऊं? मेन चीज है, मतलब डल लेक के बीच में बैठ के खा रहे हैं, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, अलग ही लेवल का। तो ये देख रहे हो, ये सामने चेयरफुल चार्ली, मिशन कश्मीर की शूटिंग यहीं पर हुई है, जब वो ऋतिक रोशन छोटा होता है पेंटिंग बना रहा होता है। जरी वो पानी में छलांग मारते हैं, उसको घर वाले का एनकाउंटर होते हैं ना। हाँ, घर वाले का एनकाउंटर होता है, पीछे हट होते हैं, देरी होते हैं वो। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट और जो कबूतर खाना है ना, मेरे को लगा वहाँ पर अंदर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सारा एरिया ना मिलिट्री वालों के पास है, तो उन्होंने पूरे वो बैरिगेट्स लगा रखे, डंडे लगा रखे हैं। बाहर बाहर से देख सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। कहीं आप लोग सोचो कि बोल रहा था दिखाएंगे दिखाएंगे, कहाँ गया? हमने बाहर बाहर से देखा है। मतलब जो पिक्चरों की शूटिंग होती है ना, उनको बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती होगी वहाँ के लिए, और हमें तो कौन ही देगा परमिशन। बुमरो वाला गाना, बुमबरो बुमबरो कॉपीराइट आए रो कॉपीराइट बुमबरो बुमबरो। तो अभी हम घूम रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट में, ये सारी शॉप्स हैं, मतलब आप उतर नहीं सकते। अगर किसी शॉप में उतरना वहाँ उतर सकते हो, नहीं तो बोट पे घूमते घूमते ही आपको सारी मार्केट देखनी पड़ती है। इनकी ठंड से है थोड़ी हालत टाइट हो गई है, नहीं, नहीं। हाथ जेब में है, सिट्टी पिट्टी गुल्ला है, मुंह से बाहर निकल नहीं रही और गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। ठंड से हालत नहीं बुरी हो रही। मैं कुछ शॉपिंग करूंगी फिर आप मेरी बेइज्जती मत। नहीं 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 करूंगा, भर ले एक दुकान, पूरी दुकान दिलाओ, पूरी दुकान दिलाओ। ये सारी वेजिटेबल लैंड है, गाजर मूली साग सब कुछ उगता है। हाँ, शलगम सब कुछ उगता है। सारे सामने साग के खेत है, ऊपर मूली है, ये मूली है। मूली साग आलू। मेन चीज ये नहीं है कि यहाँ पर सब्जियां उगी हुई है, मेन चीज ये है कि पानी के ऊपर उगा रखी है। मतलब पानी के ऊपर कैसी मिट्टी होगी उसके ऊपर सब्जियां होती है। वो देखो ये क्या मूली है, मूली क्या रेट है मूली भाई साहब? 50 का 5 किलो 10 रुपए किलो। अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सही में 10 रुपए किलो। ठीक है, बहुत बड़ी लीक है यार। और मतलब बारिश होती जा रही है ना। बाय बाय। आए मार्केट घूमने आई है पानी के बीच में, ठंडी होगी ठंडी। आजा 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 आजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना चीज है ना। भाई साहब ज्यादा देर लगी क्या? यार कितना खूबसूरत है, बड़ी चीज है ये ना। ये बोट नहीं है, बोट है, ये रेस्टोरेंट है, बोट हाउस है। तो हमें यहाँ पर आए हुए तो करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया, सेटल डाउन होते होते थोड़ा टाइम लग गया। बेसिकली मैं आपको बताऊँ हम कहाँ पर है, हम हैं बोट हाउस में। मतलब बहुत टाइम से ना मेरा सपना था, मैं ऐसे देखता था ना वीडियोस में कि बोट हाउस अंदर से कैसी होती होगी, यहाँ रूम होते हैं, वहाँ रूम होते हैं, सिंगल रूम होता है, बहुत सारे रूम होते हैं। तो कश्मीर में पहले भी 3-4 बार आया हूँ, लेकिन आज तक मैं बोट हाउस में नहीं रुका, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ आता था, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, मतलब पूरा घूमने का टाइम ही नहीं मिला। इस बार हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पहले आपको थोड़ा बोट हाउस दिखाते हैं इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। तो ये हमारे बोट हाउस का ड्राइंग रूम है। ओके, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, चलिए। पूरा डाइनिंग रूम। अच्छा, वो डाइनिंग रूम है आगे। हां जी, चलिए चलिए, आपके पीछे पीछे चलेंगे हम, चलिए।
खूबसूरत ये है डाइनिंग रूम और ये है हमारे वसीम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, एकदम बढ़िया। और ये यहाँ पर किचन किचन है, यहीं पर सारा खाना पीना वगैरह बनता है। और ये ना पहले मेरे को ऐसा लगता था कि बोट हाउस में ना सिंगल रूम ही होगा, लेकिन ऐसे लगता था ना सिंगल रूम होगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे रूम। रूम नंबर वन मतलब पूरा होटल बना रहा, दिस इज रूम नंबर थ्री और जो हमारा रूम है खुल जाओ, थोड़ा गन मचा दिया, सिम थोड़ा आकर गन मचा दे थोड़ा। वाह नहीं ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे मेन चीज जो है ना यहाँ पर ये है, और ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम मतलब काफी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर जकूजी भी दिया हुआ है इन्होंने, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये जितने भी हाउस बोट होती है ना सारी पाइन वुड से बनी होती है, पाइन वुड मतलब ऐसी वुड होती है जो कभी खराब नहीं होती, दीमक नहीं लगती, पानी में गलती नहीं है और ये पानी के ऊपर ही बैठी रहती है। पहले मेरे को लगता था कि जितनी भी हाउस बोट होती है ना यहाँ से वहाँ ट्रेवल भी करती है, जैसे अपने को हाउस बोट पे आना तो हमें किनारे पे लेने आएगी फिर हमें वापसी अपनी लोकेशन पे ले आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो छोटे शिकारा होते हैं ना, जो छोटी बोट्स होती हैं, वो आपको ट्रैवल कराती हैं यहाँ से वहाँ, मतलब आपको किनारे से यहाँ लेके आएंगी। अगर आपको जाना भी है ना, बेसिकली इस रूम का चार्ज जो है वो है करीबन 3,000 to 3,500 रुपए पर डे, जब आपका सीजन नहीं है, और सीजनल के टाइम पर बिल्कुल इसी रूम का 10,000 तक रेट भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, टाइम तो सब कुछ महंगा होता है, आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल सीजन है तो सबने कमाना है। तो ये हमारे वसीम भाई हैं जो हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं, मतलब एक आवाज मारते हैं भागते हुए आ जाते हैं, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। कब से देख रहे हो हमारी वीडियो? 3 साल से सर, मुझे आप पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं सर। मेन चीज आपको बताऊंगा, जब इन्होंने देखा ना ये ऐसे शॉक्ड हो गए कि आप इनको, ये तो बता दो कोई दो बंदे आए हुए रहने के लिए, कैसे शॉक हुए थे सर? मतलब देखे बिलीव ही नहीं सो रहा प्रभजोत सर मेरे सामने बैठे थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर में हमारे पास क्या है, चिकन, दाल, आलू गोभी है ये, फूल गोभी, चावल और रोटी। लड़की क्या खाएगी, सब कुछ खाएगी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपनी बेहतरीन विंडो से व्यू। मैं दिखाऊं। क्या बात है, क्या बात है, बारिश शुरू हो गई, शिट फिर से बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आपने विंडो ओपन करके ठंडी कर दी है ना, इसको बंद करो। और हमारी रात को जान सिर्फ इस बुखारी से बची है। कितनी ज्यादा ठंड थी और बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई थी ना, और आज इस लड़की ने लगाए लेंस, आई ब्राउन ब्राउन लेंस, टोपी भी अच्छी लग रही है तेरी, मैचिंग मैचिंग। और यहाँ चलने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे वाले जहाज में नहीं घूम रहे होते, मतलब गली सी है, आसपास पर्दे लगे हुए हैं, रूम्स है, मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। तो एक्चुअली अभी हमारे फ्रूट चाट वाले भैया आए हैं, हम फ्रूट चाट लेने जा रहे हैं, पानी में फ्रूट चाट, मतलब यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको रिचार्ज कराना है, वाईफाई फ्री है, कुछ भी करना है ना, सब कुछ अवेलेबल है, बस आप आवाज करो, पानी के अंदर एक अलग दुनिया बसाई हुई है। आगे हमारे चाट वाले भैया। अच्छा ये भी बोट्स पर सब कुछ। कितने रुपए प्लेट है भैया? 100 rupees सर। 100 rupees हाँ सर, सारी चीजें डालोगे सर? मिक्स रहेगा सर। क्या बात है, फ्रेश। अगर अकेला भी एक आइटम बोलेगा वो भी बन जाएगा। अच्छा वो भी बन जाएगा, जैसे पाइन एप्पल है, सेब है, ऑरेंज का वादियों में खड़े होकर फ्रूट चाट खा रहे हैं। फ्रूट चाट वादियां तो दिखाई नहीं, दिखाओ दिखाओ वादियां दिखाओ, तब तक हम फ्रूट चाट एंजॉय करें। और ये हमारे वसीम भाई हैं। वसीम भाई कश्मीर के अंदर 7वें नंबर पे आते हैं टूरिज्म में, मतलब 2000 बंदों में से 7वें नंबर पे आते हैं, हो सकता है मोस्टली बंदों ने इनकी शक्ल भी देखी होगी। तो वसीम भाई का कहना है एक बारी थोड़ा भी बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है कश्मीर का, बहुत लोग कम आ रहे, तो हमारा नंबर डाल दो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर डाल दिया, आप कभी भी यहाँ पर विजिट करें ना तो जरूर आना, इनको कॉन्टैक्ट कर लेना, ये आपको पूरा कश्मीर घुमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वसीम भाई इनका नंबर मिलेगा। बाय बाय बोट हाउस, दोबारा मिलेंगे। तो अभी तक तो मेरे को ठंड इतनी महसूस नहीं हुई थी पिछले 3-4 दिन से, लेकिन आज बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की नाक भी बह रही है, आज ठंड महसूस हुई है। एक जैकेट मैंने नीचे पहन ली, गोवर पहन लिया, अंदर पतली सी टी शर्ट पहनी हुई है,
बाकी अभी हम जा रहे हैं उस शॉप पर, कल यहाँ से हमने शॉल ली थी ना, वहाँ से हम बिल लेना भूल गए थे। उनकी शॉप दिल्ली में भी, उन्होंने कहा था अगर चेंज करवानी दिल्ली से चेंज हो जाएगी, तो अभी बिल लेने जा रहे हैं स्पेशली। अगर चेंज वेंज कराना दिल्ली में हो जाएगा ना। अंकल बना रहे हैं टुलिप का फूल इनके लिए। ये आपका हाथ है? ये मेरा हाथ हो गया, सब पैक कर ले लिया। ठीक है, फूल ठीक है। हाँ जी, ये इनका नाम, ये हो गया प्रियू। ये आज का डेट, ये आज का डेट हो गया 23/11/2020। ये आपने दिल से दे रहा है वाइफ को। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। मोज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऐसी चीजें बहुत, यू नो। तो फाइनली पूरे एक दिन बाद हम डल लेक से बाहर जाने वाले हैं। एक दिन हो चुका है हमें डल लेक में घूमते हुए, सारी मार्केट घूम ली, बोट हाउस में भी रुक लिए, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, फ्रूट चाट खा ली, मतलब आतंक मचा दिया है। ठंड बहुत ज्यादा, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो हमने डल लेक के अंदर ही शुरू करी थी और डल लेक के अंदर इसको समाप्त कर दें। होप करते हैं आपको मजा आया होगा, जितना हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद भी घूम रहे हैं, आपको भी घुमा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक जरूर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग का, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मुझे वाकई नहीं था मालूम कि ये लेक इतनी बड़ी है। मुझे छोटी सी लेक होगी जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी, लेकिन वाकई बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैली है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो कल लग रहा था बिल्कुल वैसे ही अनुमान का सी था। हाँ, अनुमान सही लग रहा। और ये तंग करेंगे? नहीं नहीं, मैं तंग नहीं कर रही, असल में मौजूद मानेगा नहीं फिर तंग करूंगी, पहले मान नहीं रहा था, लेकिन सीरियसली बहुत खूबसूरत है। और आई मीन मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई जगह मतलब हम लोग को देखने को मिलेगी। आप बोट पर ही जाएंगे, आपको खाना भी बोट पर मिलेगा, आपको मतलब हर किस्म की सर्विसेज बोट पर मिलेगी, आपको मार्केट जाना है तो आपको बोट पे जाना है, तो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग है। यार मैं अगर बात करूँ ना, मैं जिस जो बोट हाउस है वो बहुत खूबसूरत लगा, खासतौर पर उस पर जिस तरह काम किया गया है ना वो बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद जो अंदर रहने के लिए जो उन्होंने जगह बनाई ना, क्योंकि मुझे लगा था बोट है तो जगह थोड़ी यू नो कंजेस्टेड होगी, रहने के कमरा वगैरह इतना खुला नहीं होगा, लेकिन सही स्पेस थी कमरे में भी। जो कमरे को गर्म करने के लिए मैं बोलूं चिमनी थी ना यार, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब मैं पहली दफा ऐसा देख रही थी, मैं पहले दफा क्या है, फिर हर बात में मैंने बता दिया था पहले ही, बीच में कोयले, तो मुझे लगता है रात को मतलब बहुत ही मजा आता होगा, लाइक कूजी हो जाता होगा ना कमरा काफी अच्छा। अच्छा वैसे एक और चीज भी बहुत अच्छी लगी, जो उसका एग्जॉस्ट का जो रास्ता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा हुआ था, हर रूम में था बिल्कुल, मुझे देखने को मिली है। और पता है मैं ये बात बोलने लगी थी, मौसम ने मुझे कंप्लीट नहीं करने दी कि ठंड और इस तरीके से कोयलों वाली मतलब हीट आपको मिल रही हो, और ऊपर से बारिश की टक 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 आवाज आ रही हो, बाहर से पानी की टक टक, आए कितना अच्छा मौसम, मतलब बहुत आपको अच्छा फील होता है, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है। बट ये अच्छा ये भी है, एक चीज हम लोग देखी कि लेक काफी साफ भी थी मौसम, उसमें कोई कचरा वगैरह हम लोगों को नजर नहीं आया। मामूली जो है आमतौर पर जो है लेक्स जो होती है उनमें नजर आता है, लेकिन इसमें बाकी नजर नहीं आया। फिर उसके बाद जो साइडों पे जो उन्होंने फसल जो है की हुई थी वो वाकई मैं खुद बहुत हैरान था कि एक तरह की बिल्कुल गीली जगह थी वहां पे, कुछ काश्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वहां उन्होंने कैसे उन्होंने किया हुआ है यार। अच्छा, हर चीज बाकी मुझे पहले ये लगा था, मुझे पहले ये लगा था कि ना लाइक जो वो वाली साइड है ना जहाँ पर फसल है, मूलियां थी ना, मूलियां, मुझे पहले लगा कि शायद उतनी सारी जगह फिर उधर से ना मतलब सारी सूखी सूखी हो जाएगी, मैदानी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन ये जैसे उन्होंने बताया कि पानी के ऊपर है, तो ये चीजें मुझे वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें जो व्लॉगर थे, ओ माय गॉड, मतलब मुझे बहुत मजा आया पाजी को देखने का, मतलब इतने एंटरटेनिंग है वो कि मतलब मुझे लगता है कि जब हम लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं ना, हम ऐसी बातें करते रहते हैं, जितनी एक्साइटमेंट उनको थी। अच्छा वैसे वैसे जो उनकी वाइफ है वो तो मुझे शहनाज लग रही थी, ओके, जो बिग बॉस की थी।
है ना, बोलने का तरीका उनका वैसे था। लेकिन ये दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। और जिस मतलब होटल में बोलूंगी मैं, ये मतलब वो जो बोट हाउस था वो होटल ही बना हुआ था, सारे रूम्स थे उसमें। तो मैं कहूंगी कि जो उनके ऑनर थे उनको देखकर मैंने मौलन को ये बात बोली, क्या मौलन तुम खुद ही बता दो। नहीं, मैं नहीं बता रहा उनको, मतलब वाकई में, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी कश्मीरी थे, तो मतलब मुझे शक्ल वाकई में लगता है मिलती है। अभी मैं अपने कजन्स को देखती हूँ, या मतलब ये गेरी नाक जो है ना वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे यहाँ पे आमतौर पर भट्टों के खानदान में पाया जाता है, भट्टों का नाक। तो मैं इसको मौजूद को यही बात कर रही, तो मौजूद मुझे पता क्या कह रहा था, अब वो भी बता दो। मैं कहता रहने थे क्यों मैं नाक बदनाम करने इसमें बदनाम करने वाली क्या बात भाई, जैसे भी ऊपर वाले ने बनाया अच्छा बनाया हुआ, प्राउड फील करे जो भी आपके पास अच्छा है। आपका नाक भी वैसे ही होना चाहिए था। तो मेरा नाक आपका डिफरेंट है थोड़ा, वो इतना भी डिफरेंट नहीं है, बस 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 ज्यादा नाक पर बात नहीं हम करते। बट ये मैं बात करना चाह रही हूँ बेसिकली कि ना, हाँ सिमिलैरिटीज नजर आती है मुझे, कि एक होता है ना कि आपकी रूट्स जहाँ से हो बिल्कुल आपको पता चलता है कि हाँ आपकी शक्लें मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग भी कश्मीरी बट हैं। तो मतलब वो चीज मुझे बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा फील हुआ मुझे देखकर, और क्योंकि पहले हम ये चीजें नोटिस नहीं करते थे, और अब आकर हम ये चीजें ना नोटिस करना शुरू हुए। और बिल्कुल, दूसरी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जो पानी पे पूरी पूरी मार्केट बनी हुई है, और जिस तरह जो है इनकी आप जो आपका वो होटल आप जिसे कह लें बोट हाउस है, वहां तक पहुंचे जिस तरह आप शिकारा पे बैठ कर जाते हैं, तो काफी ज्यादा यू नो एक टूरिज्म के लिए वहां पे नजर आती है चीज। वैसे मैं बात बोलूं, मुझे तो ये बहुत ही मतलब एक बोलो ना कि डिफरेंट सा एक्सपीरियंस लगता है, एडवेंचरस भी लगता है। यू नो आप एंजॉय करते हो वहां पर, आप मतलब एक, क्योंकि आम रूटीन लाइफ में हम क्या करते हैं, हम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं या फिर बाइक पर जाते हैं, तो ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस की हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बोट पे, तो बोट पर जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी जाए तो काफी एंजॉय करेगा। बट ये कि मैं ये कहूंगी कि ये सस्ता, इटली का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा था, ये इटली से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ पर जगह है ना, उनकी अपनाइयत कुछ डिफरेंट होती है। बेशक बेशक, वो क्या है ना कि हम लोग देखें अपने अपने लोगों से मिलने का ना मजा ही अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं और दिल से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो जब हम बेशक आप इटली जाते हैं, आप घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोगों से इमोशनली और दिल से कनेक्ट नहीं हो पाते, जो हम यहाँ पे लोगों से हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम ऐसे अपनी कंट्री में या जैसे हम इंडिया में घूमने जाए, तो मुझे ऐसा लगता है मौसम के ना जैसे हमारी एक्साइटमेंट को वो समझ सकते हैं कि हम लोगों के इमोशंस क्या है। बट अगर हम लोग किसी और, जैसे इटली की बात कर लो कि हम लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर ये अगर बोट वाला होगा वो हमारे इमोशंस नहीं समझ सकेगा, उसको लगेगा वाह ये क्या पागल हो गए, इनको क्या हो गया ये तो इनको। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें बड़ा ना एक होता है, आप अपने लोग समझते हैं कि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्यों, किस तरह से और आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। एनी वे बहुत बहुत मजा आया, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप में से कौन कौन यहाँ पर विजिट कर चुका हुआ है जरूर हमें बताइएगा, और एक और खूबसूरत साइट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, चैनल वीडियो की पसंद। गुड बाय।